सारे साथियों को पता होगा कि पिछले एक दो दिनों तो एक वीडियो जी है उदे विच एक ऑडियो नू जोड़ के चलाया जा रहा मेरे खिलाफ कि अबोर तो हलका इंचार्ज उदे विच लिखा हुआ कि नशे के कारोबार वास्ते कुछ पैसों के लैन देन की गल जी उदे विच ऑडियो ते वीडियो दे विच जी दिखाई गई है। ऑडियो दे विच किते भी तुसी भी देखा होगा ना तो मेरा नाम है ना ही कोई मैं इत्थों तक कहना भी मेरे नाल कोई रहने वाले किसी का कोई ना नाम है ना किसी की आवाज़ है। बिना गल तो मेरी छवि नू खराब करने वास्ते कोई कृष्ण कुमार है जी मलोट का उदे वालों जिहड़ा ये पता नहीं कोई पोलिटिकल ही उहदा इंट्रस्ट हो सकता है कि उन्होंने किसी ने कहा होवे कुछ लोग ये पिछे होण कि मेरी छवि नू खराब करने वास्ते उन्होंने ये जिहड़ा मैनू टारगेट करिया ते एक वीडियो जिहड़ी पा के उहदे नाल आडियो नू अटैच करके मेरा नाम लिया जा रहा। पर किते भी उहदे विच ना ही मैं ना ही मेरी कोई टीम का साथी आ कोई भी नहीं है कि असी इहो जी कोई गल करी होवे। गल छड्डो मैं तो इत्थों तक कहन नू तैयार हाँ, मैं हमेशा कहना क्योंकि 11 साल संघर्ष करके पार्टी ने मैनू मान इज्जत दे के अज इत्थे पहुँचाया। मैं मर तो सकदा पर एक पैसा करप्शन का भ्रष्टाचार का ना मेरे घर अज तक आया तो ना ही कदे जाएगा क्योंकि मेरे फादर साहब मकैनिक है। मैं इलैक्शन के भी कहा सी इंजन रिपेयरिंग का काम है वो हुण भी आपका काम करते। छोटा ब्रदर मेरा देश की सेवा वास्ते फौज के डिफेंस के वो उत्थे ड्यूटी करता तो मैं भी सेवा के भाव के नाल इस राजनीति दे विच आया। पहला भी 10-11 साल मैं संघर्ष किया हुण भी कर रहा पर इहो जे कुछ लोग है जिहड़े मेरी छवि नू खराब करने वास्ते क्योंकि काम के आधार पर वो मेरी बराबरी नहीं कर सकते। मैं जिद्दन तो नतीजा आया चाहे मेरिया वोटा घट गई मैं सुबह तो शाम तक लोगों के लोग बहुत प्यार दे रहे जिहड़े लीडर है ये जिहड़े वड्डे लीडर का शहर है अबोहर तो इन्हों हुण कुछ नज़र नहीं आता क्योंकि वो आपदे आप नू समझते सी कि असी राजे हैं जो असी हुक्म देता वो फॉलो होएगा। पर अज हालात उन्होंने सामने यहोजे आ गए कि उन्होंने खुद नहीं समझ आ रहा कि कांग्रेस च है बीजेपी च है तो वह डगमगा गए हैं लोगों का जो विश्वास है उन्होंने तो उठ चुका है तो हूँ वो सिर्फ मेरी छवि को खराब करने वास्ते यहोजियां जिहड़ियां हरकत है आपके जिहड़े यहोजे बंदे है उन्होंने फिट करके करवा रहे हैं। सो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाऊगा। इनू लैके अज मानयोग SSP साहब न मैं एक लैटर दी है लिख के रिटर्न के दिता है कि जिहड़े भी लोग इस ऑडियो के गलबात कर रहे हैं वो इनवॉल्व है तो जिहड़े भी बंदे ने अपने चैनल के उपर एक जिहड़ी इदां दी घटिया किस्म की जिहड़ी ऑडियो वीडियो मेरे खिलाफ चलाई है उन्होंने खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए। दूजा मैं मानहानि का केस भी ये जिहड़ा कल तो फाइल करांगा ताकि इहोजे लोगों नूं नत्थ पाई जा सके जिहड़े किसी की इमेज बिना गल तो विगाड़न की जिहड़ी कोशिश करते हैं। जो लैटर दिता गया पर रिप्लाई नहीं लिया साहब ने आश्वासन दिता है कि जल्द ही जिहड़ा SSP साहब ने आश्वासन दिता कि इन्हां लोगों को बुला के इन्हां तो पुछगिछ की जाऊगी जो भी बनती कार्रवाई है इन्हां दे उपर सख्ती नाल की जाएगी। की समझना तुहाडा नाम जोड़िया गया तो क्यों जोड़िया गया बिल्कुल समझ तो बाहर है इसे करके मैं SSP साहब नू यह आपदे वल्लों लैटर दिती है कि ना ही उस ऑडियो दे विच किते नेड़े तेड़े भी ना मैं ना मेरे कोई आस पास के साथी कोई भी नहीं है। उहदे बावजूद वो जिहड़ी क्लिप चलाई गई है वो उपर चैनल के उपर लिख के ये चलाया गया कि अबोहर तो हलका इंचार्ज तो यह बड़ी गलत गल है बड़ी मंदभागी गल है कि बिना गल तो हर एक चीज़ नू मेरे नाल जोड़ना इहदा मतलब यह है कि मैं एक आम परिवार तो उठिया तुसीं हर गल ते मैनू दबाउणा चाहुंदे हो यह बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं करांगा ना ही मैं अज तक पिछले 10-11 साल के इस पोलीटिकल कैरियर के बर्दाश्त किया ना ही करांगा। यह नहीं है कि जिहदा भी दिल करदा उठ के बिना गल तो इल्जामबाजी करी जाए ये कोई चंगी गल नहीं।